हेलो दोस्तों, मैं रेणु दुबे अपने चैनल देसी किचन बाई रेणु डी पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। हम खिचड़ी की रेसिपी बनाना शुरू कर उससे पहले प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी नई वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए दोस्तों, हम खिचड़ी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए देखिए, हमने ये 250 ग्राम चावल ले लिया है, एक पाव, क्योंकि हमारे घर में कम लोग हैं तो हम कम लोगों के लिए बनाएंगे, तो इसलिए हमने इतना लिया है। आप अपने हिसाब से बनाइएगा, जितना आपके यहाँ लोग हों उसके हिसाब से आप खिचड़ी बनाने के लिए चावल लीजिएगा। और हमने इधर देखिए उड़द की दाल ले ली है। उड़द की दाल ये छिलके वाली है, इसको भी हम खिचड़ी में ऐड करेंगे। तो इसको चलिए हम धुल लेते हैं, दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्रेश कर साफ कर लेते हैं। देखिए, हमने चावल और उड़द दाल को अच्छे से धुल के फ्रेश कर लिया है, और अब इनको हम साइड में रख देते हैं और चलते हैं अपनी खिचड़ी में डालने के लिए। वेजिटेबल्स काट लेते हैं। देखिए, हमने सब्जियों को काट कर रेडी कर लिया है। हमने टमाटर काट लिया है, एक आलू काटी है, गाजर काट लिया है, और मटर छील के धुल के रख लिया है। और इधर हमने गोभी काट ली है थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में, क्योंकि गोभी जल्दी से गल जाती है ना, इसलिए हम गोभी को भी मोटा मोटा टुकड़ों में काटे हैं। और तड़का लगाने के लिए हमने जीरा और हरी मिर्च ली है। आप लोग चाहें तो इसमें लहसुन और प्याज भी तड़के में यूज कर सकते हैं। हम इसमें बस जीरा और मिर्च डालेंगे तड़के में। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं खिचड़ी। ये खिचड़ी हम कुकर में बनाएंगे। तो हम देखिए, हमने कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए, और कुकर में हमने घी ऐड कर दिया है, देसी घी। आपके यहाँ जिस चीज़ में खिचड़ी बनाई जाती हो वो चीज़ आप यूज कर सकते हैं, तेल या घी, जो भी आपके यहाँ खिचड़ी बनाने में यूज किया जाता हो वो आप यूज़ कर लीजिए। और हमारा कुकर एकदम गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले इसमें हम जीरा और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अगर आपके आपका मन करे तो इसमें आप यहाँ पे तड़के में और ये अदरक भी हम ऐड करेंगे। अदरक को हमने कद्दूकस करके रख लिया है। तड़का एकदम रेडी हो चुका है देखिए, और अब इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे बारी बारी से। बारी बारी ऐड करने से क्या है ना कि बारी बारी ऐड करके हम उसको अच्छी तरह से भून लेंगे वेजिटेबल्स को। गोभी ऐड करने के बाद देखिए, हमने इसमें मटर ऐड कर दिया, और मटर ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ पे गाजर आलू भी हम ऐड कर देंगे, और सारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। तो देखिए, हमने इसमें वेजिटेबल्स को भून लिया है, और अब हम यहाँ पे इसमें चावल ऐड करेंगे। देखिए, हमने चावल जो धुला था उसको इसमें हम ऐड कर देंगे, और चावल को हमने ऐड कर दिया, और इसको भी हम लगभग 1-2 मिनट तक हम चलाते हुए भून लेंगे अच्छे से। हमने भून दिया अच्छे से खिचड़ी को, और अब इसमें हम यहाँ पे हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करने के बाद अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक हमें अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है, कि जितना नमक, जिससे कि हमारे खिचड़ी में नमक ज़्यादा ना हो उस हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे। तो देखिए, हमने नमक को भी ऐड कर दिया, हल्दी को भी, और अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। देखिए, हमने खूब अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, भून दिया खिचड़ी को। और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा गरम सब्जी मसाला ले लिए हैं, और लाल मिर्च पाउडर, इसको भी खिचड़ी पे इसी समय पे ऐड कर देंगे, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे चलाते हुए। और उसके बाद हमने जो एक टमाटर काट के रखा था उसको ऐड कर देंगे खिचड़ी में। टमाटर को ऐड करने के बाद अब इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखिए, हमने सब कुछ अच्छे से मिक्स करके चला दिया है, और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो हमारी सीटी हो चुकी है, और कुकर भी हमारा लगभग ठंडा हो गया है। इसकी सीटी निकाल लेते हैं, और खिचड़ी को फिर निकालते हैं। देखिए, हमने कुकर के ढक्कन को खोल लिया है, कि हमारी खिचड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए, एकदम दाने दाने अलग अलग हैं, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। चलिए हम सर्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए, हमने तहरी को सर्व कर लिया है खिचड़ी को, और अब इसमें हम थोड़ा सा हरी धनिया ऐड कर देंगे। बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है। आप भी इस तरीके से खिचड़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपको कैसा लगा हमारा तरीका बताने का हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होती है। तो चलिए आगे हम एक और नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।